मरियम नवाज की नैब में पेशी के दौरान हंगामा आराई पर लीगी कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। नैब ने अपने ऐलामिए में कहा कि मरियम नवाज को जाती हैसियत में मौकिफ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने के बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जरिए मुनासिब अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनस्मी का मुजाहरा किया गया। नैब ऐलामिए में कहा गया कि नैब के 20 साल दौर में पहली मर्तबा आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव रवा रखा गया। नैब इमारत पर पथराव से खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। नैब अमले को भी जख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मंसूख किया गया। ऐलामी में कहा गया कि नैब कौमी इदारा है, तमाम तर वाबस्तगियां मुल्क और कौम के साथ हैं। नैब का किसी सियासी जमात और गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। नैब तमाम तर इकदामात आईन और कानून की रोशनी में अंजाम देता है।